हेलो एवरीवन, इट्स मी कुमार सोनल एंड वेलकम बैक टू व्लॉगबर्ड्स। आज मैं बहरागोड़ा में हूँ और बहरागोड़ा से थोड़ा सा अंदर तरफ आया हूँ, मतलब ये बामडोल जाने वाला रास्ता है। आप में से जितने भी लोग बहरागोड़ा या इधर के आसपास के हैं उनको पता चल रहा होगा, यहाँ पे ये शिव मंदिर देखने के लिए हम लोग आए। इतना बड़ा मूर्ति है ना, मतलब नाना जी का जमीन है यहीं पास में, उस जमीन से भी दिखता है। जमीन कहाँ है? भागाबांधी, उसको मौजा है। भागाबांधी मौजा है, अच्छा अच्छा। लेकिन ब्लॉक तो वही बहरागोड़ा है ना। पहली बार हम लोग आए हैं, मतलब देखे हैं ये वाला शिव मंदिर बहुत पहले से ही, लेकिन यहाँ पे आए हैं पहली बार। ऊपर में है जो कि दिख रहा है, काफी है। हाँ, बनाया गया लेकिन बहुत अच्छा बहुत, नहीं बहुत अच्छा से बनाया। उसके ऊपर रास्ता भी देखो कितना। और अच्छा नाना जी, उस टाइम पे मतलब जब ये शिव मंदिर हुआ तब यहाँ आसपास घर उर था? यहाँ घर वर नहीं था, बना होता नहीं था ना, ना वही ये एक्चुअली में पत्थर खदान है। शिव मंदिर बाद में ही हुआ है, पहले पत्थर खदान था सिर्फ, है ना? पत्थर खदान वाला, हाँ। उसको बना करके काट कर ले जाएगा बोल करके बनाया है। अच्छा, कहा कि ना खदान से काट करके ले जाएगा तो मंदिर भी नहीं बनेगा। हाँ 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 हाँ, किधर है नाना जी आप लोग? सीधा झाड़ है ये झाड़। हाँ हाँ, इसके बाद हाँ नीचे के पास। हाँ 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 हाँ, मतलब यहाँ से सीध में पूरा ना। हाँ, सीध में। अब चलते हैं थोड़ा पास में, पास से थोड़ा दर्शन करेंगे, थोड़ा बैठेंगे और फिर हम लोग आएंगे। पूरा मंदिर घूम करके उठा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, और ये देखिए यहाँ पे नंदी का भी मूर्ति बनाया गया है, ये देखिए नंदी महाराज का। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया गया है मंदिर तक जाने के लिए। ये सीढ़ी भी शायद पहले नहीं होगा, पहले सिर्फ ऐसे ही पत्थर पत्थर ही होगा, है ना नाना जी? सीढ़ी भी तो कोई यह का बनाया है। हाँ, पत्थर का देखकर। अच्छा आपको लेकिन थोड़ा सा तकलीफ लगेगा यहाँ उठने में। चलो कोई तकलीफ नहीं। और ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए बेंच भी है। चारों तरफ का नजारा आप एक बार देखो। कितना बढ़िया है। ये देखिए नंदी महाराज, इधर का पत्थर को जैसा का तैसा ही रखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इचड़ा सोल। अच्छा ये जगह का नाम है ना। हाँ। और बाकी तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। देखिए एक दफ़ा नज़ारा कितना बढ़िया है ना। हम लोग तो दो तीन जन को पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ क्या कर रहा हूँ? अच्छा है? आओ बाबू, तुम्हारे मैंने की उठे था कौन थे गा? ओटा। अच्छा मंदिर टा कबा ही छे? अच्छा वो जैसा पत्थर खदान है ना, ये भी ऐसे ही खदान था, बाद में यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। अच्छा यहाँ पे लेकिन कचड़ा बहुत फैलाया गया है, ये देखिए। ये जगह का नाम है इचड़ा सोल। और वो दूर में ना जितना आपको घर दिख रहा है वो एकदम दूर दूर में वो बहरागोड़ा है। ये भी बहरागोड़ा ब्लॉक पड़ता है, बस मौजा है इचड़ा सोल। यहाँ से देखिए एक दफ़ा खाई। और ये देखिए नंदी महाराज को, शिव जी का मूर्ति बहुत ऊपर है तो इसलिए मैं यहाँ से आपको प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी ये देखिए बहुत दूर से दिखाई देता है। मैं अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देख रहा हूँ कि और क्या है। चारों तरफ पत्थर है, यहाँ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मंदिर अभी बंद है। मुझे यहाँ पे चलने में भी डर लग रहा है, नीचे कांच का टुकड़ा है। लोग इस तरीके के स्थान को भी कैसे ऐसा बर्बाद करते हैं पता नहीं। देखिए पीछे ही शिव जी का मूर्ति कितना बड़ा सा है। हाँ थोड़ा इधर से भी मैं घूम लेता हूँ, क्योंकि मंदिर जब आया हूँ तो थोड़ा चारों तरफ घूम तो लूँ। ये एक्चुअली मंदिर का बैकयार्ड है और ये पूरा खदान है देखिए। तो इधर तो आगे जाना तो रिस्क है, फिर भी मैं उठता हूँ। नहीं मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली पत्थर भी बहुत गर्म है और मुझे ही देखिए कैसे खड़ा हूँ यहाँ पे। थोड़ा भी अगर मैं स्लिप किया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये देखिए पूरा दूर दूर तक खेत ही खेत है, एकदम शांति है यहाँ पे। अच्छा मंदिर का ही गेट उट पूरा लगा हुआ है, मैं उस तरफ से घुसा हूँ, इधर से निकलता हूँ। ये देखिए बाबा का मूर्ति और दूर दूर तक बस खेत ही खेत है और वहाँ पे दूर में जाके है सब घर उर। अच्छा यहाँ से जाने का रास्ता पता नहीं कैसे मैं ढूंढूँ, पूरा पूरा पत्थर ही है देखिए, इसी पत्थर में ही चल चल के जाना है। अच्छा हुआ आज मैं शू नहीं पहना हूँ, इधर से जाना तो डिफिकल्ट है, बट यस हम लोग जा सकते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा, ये देखिए रास्ता मिल गया। नाना जी अभी भी उसी ओर देख रहे हैं। जाता हूँ, देखिए नाना जी को पढ़ रहे हैं वो। मैं उधर से गया था ना, तो उनको लगा कि उधर ही से आऊँगा, मैं पीछे से जाता हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन। हाय, अच्छा आप अगर बहरा घोड़ा के हैं और अगर आपका भी हालत हम लोगों के ही जैसा है, मतलब यहाँ कभी आए नहीं तो यहाँ जरूर आइए। हाँ वो जो घेरा देखो हम लोग का जमीन का, वो जो अरे दिख गया दिख गया दिख गया। रुकिए मैं आपको अभी फाइनली दिखाई देता हूँ नाना जी का जमीन। देखो घड़ा का घट्ठ हुआ वो देखिए, वो जो घेरा छोटा छोटा घेरा देखो, वो जो घेरा आपको दिख रहा है ना, वही पेड़ उड़ है, घेरा है, बस वही घेरा के आगे वाला जमीन वही नाना जी का है, उसी का बॉर्डर से ही वो घेरा भी हम लोग के जमीन में घेरा है। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए उस जमीन से ये मंदिर बहुत इजीली दिखता है, बहुत इजीली। अब थोड़ा सा नंदी महाराज को भी पास से देखते हैं। ये देखिए मैं चप्पल पहले खोल देता हूँ, काफी गर्म है, लेकिन कितना बड़ा मूर्ति है देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। मैं पूरा पूरी खड़ा हूँ देखिए, ठीक है, पर मेरे हाइट से कितना ऊपर है देखिए, मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये जो मूर्ति बना हुआ है ये कितने हाइट का होगा। कितना बढ़िया लग रहा है ना। और देखिए यहाँ से बाबा का मूर्ति। नाना जी हाँ क्या बता रहे थे बताइए। अरे वो जो दिया है मतलब मूर्ति स्थापन करने वाला, हाँ, मूर्ति देने वाला, हाँ, अरे सब घर बनाने वाला, वो जो पूजा पाठ शिव मंदिर देने वाला, वो पुजारी है जो पूजो पाठक बाबा बलिया है। और वही से उनका नाम आचार्य है, क्या वो उनको दान किया है, हाँ, दान करने के बाद उसको कोई आदमी आएगा दूर से तो पूजा पाठ करके मन शांति करेगा, तो 1 घंटा पहले ही टोकन देने पड़ेगा। टोकन देने से टोकन कहाँ से मिलेगा? यही पर मिलेगा, बाबा के पास जाकर मुलाकात करने से। अच्छा, तो टोकन देगा, टोकन देने से खाना नीचे मिलेगा, खाना नीचे मिलेगा। हाँ ना, वो वाला, हाँ वो वाला हाँ घर मिलेगा। वो सुबह में नाश्ता करने का टाइम है 8 बजे से 10 बजे के अंदर। अच्छा, टोकन 1 घंटा पहले लेना पड़ेगा। अच्छा, और टोकन वही खरीदना पड़ेगा यहाँ पे मंदिर में। हाँ, और वहाँ से जाकर खावल का वही बनाया है, वही प्रस्ताव दिया है, उन्हीं का दुकान है। अच्छा, उसके बाद भोजन का समय भी है, वो शाम को टाइम में 4:30 बजे से 7:30 बजे के अंदर, हर दिन हर दिन। और वो हो गए नाश्ता का टाइम। अच्छा, और कोई खाना खाएगा बोलेगा, हाँ, उसका भोजन का टाइम है 12 बजे 2 बजे तक, हाँ, उसके बाद शाम को टाइम है वो लोग घूम करके देख सर के, हाँ, फिर 5 बजे 5 बजे तक उन लोग का भोजन गृह खुला रहता है। अच्छा, कितना नाना जी, जैसे किसी को खाना खाना है तो टोकन लेना पड़ेगा? मतलब टोकन नहीं देने से वो लोग खाना नहीं देगा, अभी नहीं कहा इतना नंबर टोकन है उसको खाना दे दो बोलने। अच्छा, तो टोकन के लिए पैसा देना होगा? हाँ पैसा देने पड़ेगा उसको। अच्छा, पैसा नहीं देने से वो नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। कहा कि ना वो लोग जो बनाता है उसका भी तो खर्चा है, इसलिए खर्चा उठाने के लिए वो सब करता है। फिर भी कोई तकलीफ के आता है, खाना नहीं मिलता, भूख में जाता, भूख में नहीं लौटना पड़ेगा, वो खा पी करके जा सकता है, लेकिन पैसा देने पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ, उसका उचित कितना मूल्य है वो नहीं दिखा है, लेकिन उचित देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा टाइम दिया है ऐसा किया और टोकन का टोकन लेना पड़ा, टोकन लेने से पैसा देने पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब दिया है। और बाबा का आश्रम है, घूमने का जगह बढ़िया है, मन शांति होगा, खराब लगा घूम घूम करके आएगा या फूल चलेगा। अच्छा, बाबा को शिव को देखे। बहरा घोड़ा से कितना दूर है ये? बहरा घोड़ा से सिर्फ 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर? हाँ, ज्यादा तो नहीं ना, ज्यादा दूर नहीं है। आदमी साइकिल से भी आ सकता है? हाँ हाँ, कितना आदमी आता है, रास्ता भी खुल दिया है। ये देखो इधर से आ गए, 1400 लोग का पागाबंदी होकर कभी। और नाना जी आपका जमीन दिख? अरे हमारा जमीन तो हाँ दिखे ही पड़ता, देखो ना वो जो घेरा है मंदिर ठाकुर है तो स्थान में बनाता है, उसके घेरा के सामने ही हम लोग का जमीन है। अच्छा, आप लोग कभी आपका जमीन हम लोग गए थे ना? हाँ हाँ, ये पहले बार की तो वीडियो भी किया था उस समय, वही वीडियो भी मिल सकता है। और वहाँ पे नाना जी जब गए थे तो वहाँ से भी शिव मंदिर दिख रहा था? हाँ, शिव मंदिर हम दिखता था उस समय, लेकिन हम लोग का याद नहीं था कौन शिव मंदिर है। और वहाँ पर एक तो ITI कॉलेज है, वहाँ पर वही वाला कॉलेज, तभी हमको मालूम है यहाँ पर ITI कॉलेज बोलता था,
कौन कौन है क्योंकि एक घर है, एक घर हमको मालूम नहीं, तो जैसा कि कोई आदमी है घर मालूम होता है, कहने के कपड़ा उपड़ा सूखा है, वही वही देखो ऊपर में कपड़ा ऊपर सूखा है, ये कोई ये मान नहीं है। मैं आईटीआई कॉलेज पर यहाँ से उठ के कहीं और चल गया, ये कहाँ चला उठा दिया होगा, लेकिन एक घर जो है ये कोई आदमी रहता है, उसका बच्चा उच्चा लोग का पेंट कपड़ा पहन रहा है, इसलिए वो आईटीआई घर नहीं है, वहाँ से कोई कहाँ चेंज कर दिया है लोग, तो पूछने से मालूम हो जाएगा कहाँ कहाँ आई टी आई कॉलेज, यहाँ पर आई टी आई कॉलेज भी था सुना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आई टी आई कॉलेज है, ये मंदिर है, सब सुना था, लेकिन इसके पास हम लोग आया नहीं था। कौन सा नाना जी, सरकारी जगह? ये जो सबूत चिन्ह दिया है घर है। अच्छा, वहीं पे खाना मिलेगा क्या? हाँ, वही पर खाना मिलेगा, लंबा घर बना दिया, कोई जाकर बैठ सकता, रेस ले सकता, उसी में सब लिखा है, उसको बोलता है इंचिड़ा असुर। अच्छा, जगह के नाम, जगह का नाम के अंदर में है सब। अच्छा नाना जी, यहाँ पे तो शाम में मजा आएगा बैठने में। हाँ, बेंच वेंच पूरा है बना हुआ, सब बैठा दिया हुआ, घर भी बना दिया, घूम घर के सब कुछ दर्शन करके अभी जाएगा तो कुछ दर्शन मिल सकता है, लेकिन टाइम नहीं, अभी अभी बंद हो गया, चला गया कहा कि ना, तो बोल दिया है 10 बजे तक, टाइम कितना हुआ? टाइम अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी 12 बजे का अंदर ही फिर आएगा, कोई अकेदमी टिकट विकट दे देगा, नहीं तो बोल देगा उधर टिकट मिलेगा, चला जाओ, मैंने अभी अभी नाना जी को भेज दिया क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए, मतलब छाया में बैठे रहिए, मैं फट से इसका एंड पार्ट शूट करके आता हूँ। असल में हुआ क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेन फोन है जिससे शूट होता है, वो फोन बहुत जबरदस्त गर्म हो गया, तो उसका कैमरा ऑन ही नहीं करने के लिए दे रहा है वो फोन, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना कि अभी अपना बैकअप मैं हमेशा रखता हूँ, तो अभी दूसरे वाले से शूट हो रहा है, गर्मी बहुत तेज है, और हम लोग आपको तो पता ही है जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं हमारे कि हम लोग एक काम लेके नहीं निकलते हैं, है ना, हमारा 10 काम रहता है, 10ों काम कर करके फिर वापस जाना है हमें। ऐसा होप कि मैंने आपको ये पूरा मंदिर अच्छे से दिखा दिया है, आप यहाँ पे आ सकते हो पूजा करने के लिए, घूमने के लिए, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है सच में। फिलहाल इस वीडियो को हमें यहीं तक रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपसे एक दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।